सबसे सेफ, सबसे पहले तो फेज बता देता हूं, एन एन एवरेज, ठीक है, फेज वन, फेज वन फर्स्ट फेज, फेज टू सेकेंड फेज, ठीक है, फेज थर्ड, फेज थर्ड, फेज फोर और फेज फाइव, फिफ्थ फेज दोस्तों, ठीक है। जो रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, 49 एवरेज, 49 एवरेज रॉ मार्क्स हैं फेज वन वालों के। इतनी बुरी कंडीशन है भाई साहब। लेकिन ज्यादा आप लोग परेशान ना हो, इनकी भी कोई ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। फिर फिफ्थ फेज वालों के एवरेज मार्क्स जो है ना दोस्तों, वो जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी कि फिफ्थ फेज वालों के जो मार्क्स हैं वो फेज वन वालों से भी दोस्तों कम हैं, ठीक है। सेकेंड फेज वालों के जो एवरेज मार्क्स है ना दोस्तों, 51 के आसपास एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। थर्ड फेज वालों के 50 के आसपास लगभग एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, और फोर्थ फेज वालों के 53 के आसपास एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। ये एवरेज मार्क्स हैं दोस्तों। क्या है ये एवरेज मार्क्स हैं, ध्यान से देख लो। इधर फेज वन वालों के एवरेज मार्क्स जो हैं 49, फेज टू वालों के एवरेज मार्क्स 51, फेज थर्ड वालों के एवरेज मार्क्स जो हैं सर्वे के बाद में वो 50 हैं, फेज फोर वालों के एवरेज मार्क्स जो हैं 53 हैं, और फेज फाइव वालों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 45 हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, मानते हैं कि हमें लग रहा था कि फेज वन वाले, लेकिन फेज वन वालों ने बाद में कवर किया है भाई साहब। स्टार्टिंग के डे वन डे टू, मानता हूं 17 तारीख 18 तारीख, 2 दिन में उनको लगा, 2 दिन उनको, 2 दिन जिन्होंने पेपर दिए उनके मार्क्स वास्तव में बाकी लोगों से कम है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने कवर किया है। ऐसा नहीं है कि सारे फेज वन, काफी लंबा चला था दोस्तों, आपको पता है 17 तारीख से चालू हुआ था, 23 24 तारीख तक चला था दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने बाद में उन्होंने कवर किया 20 तारीख से, 19 तारीख से आप पेपर देखें तो वो रिकवर करना उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उनके मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन हुबली जोन वालों के साथ भाई साहब, फेज वन जो फेज फाइव है उसकी शिफ्ट वन की मैं अगर मैं बात करूं ना, तो शिफ्ट वन इजी थी, लेकिन भाई साहब शिफ्ट वन इजी थी, लेकिन शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री, शिफ्ट टू और जो शिफ्ट थ्री थी ना वो आसान नहीं थी, वो काफी टफ थी, उसके अंदर साइंस के क्वेश्चन और भी फाड़ू थे, ठीक है। हुबली जोन वालों की जो अगर मैं बात करूं कि ठीक है, शिफ्ट वन बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, साइंस के क्वेश्चन भी इजी थे, आराम से बच्चों ने अटेंड किए हैं, रीजनिंग मैथ्स तो वो करके आई थे, लेकिन भाई साहब शिफ्ट टू में धुएं निकल गए उनके, शिफ्ट थ्री में भी, ठीक है। काफी दोस्तों, काफी ज्यादा यहां पर गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से दोस्तों यहां पर जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं ना फेज फाइव वालों के, वो सबसे कम बन रहे हैं।